अस्सलाम वालेकुम। आज एक और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की वीडियो फुटेजेस जो होती हैं उनको लायर में सीक्वेंस किया जाता है। तो फाइल में जाइए और जहाँ पर आपकी वीडियो फुटेजेस पड़ी हैं आप उनको इम्पोर्ट कर लें। इम्पोर्ट करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर कंपोजिशन में जाएं, न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करें और मैंने यहाँ पर टाइमिंग 1 मिनट पर सेट की हुई है और आपकी जितनी भी वीडियो फुटेजेस हैं आप जितनी टाइमिंग के हिसाब से आप अपनी टाइमिंग यहाँ सेट कर लें, ये ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि नॉर्मली जो बिल्ट इन होती है 30 सेकेंड होती है, ये मिनट हैं, ये सेकेंड्स हैं और ये उसके बच्चे हैं। इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद आप यहाँ पर एक फुटेज पे क्लिक करें, दूसरी शिफ्ट दबा कर दूसरी को करें, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर ड्रैग कर लें टाइमलाइन पर। आपने देखा कि अब यहाँ पर जो दोनों फुटेजेस साथ में आ गई हैं, अब जो नीचे वाली फुटेज है वो तकरीबन इतनी ऊपर वाली के पीछे छुपी हुई है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर इस तरह हो तो हम उसको नीचे वाली को ड्रैग करके आगे इस तरीके से ले जाएंगे और उसको सेट करेंगे, जबकि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है। जो इसका बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह इसी तरीके से क्या होगा कि आपकी जो उसकी फुटेजेस की सीक्वेंस खराब हो जाएगी, उसकी जो टाइमिंग्स, जैसे आप किसी की फुटेज बनाते हैं उनकी टाइमिंग का मसला है, जैसे आप उन पे सब टाइटल वगैरह देना चाहते हैं या मुख्तलिफ किस्म की और जो उसमें चीज़ें करना चाहते हैं, अगर वो बैलेंस में नहीं होगी तो आपके लिए आगे परेशानी का बायस बनेगी। तो फिर इसी तरह सिंगल क्लिक कर फिर शिफ्ट दबा के दूसरी को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंट पे यहाँ पर क्लिक करें और सीक्वेंस लायर पर क्लिक करें और ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर ओके कर दें। तो आपने देखा कि जो जो कि फुटेज है ऑटोमेटिकली आगे जाके सेट हो गई। तो इसी तरह अगर 8-10 जितनी भी फुटेजेस हैं अगर आप उनको मतलब ऐसा सेटिंग करना चाहते हैं कि वो एक के बाद एक चले, और तो वो उसका ये सबसे आसान तरीका है। उम्मीद है कि आप कोई समझ आ गई होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।